महिला जनाधिकार मंच द्वारा साहू भवन में आयोजित सावन महोत्सव कार्यक्रम में मंच की प्रदेश अध्यक्षा मधु गुप्ता को आगामी 2024 विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी बनाने की उठी मांग। महिलाओं ने मधु गुप्ता को टिकट देने वाले राजनीतिक दल को समर्थन देने की भी बात कही। वहीं सावन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे झारखंड वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद ने भी अपना समर्थन देते हुए आगामी विधानसभा 2024 के चुनाव में उन्हें 100% सहयोग करने की बात कही। आप लोग आश्वस्त करता हूं कि हम लोग भी, हमारा संस्था भी तन मन धन से मधुमता के साथ चुनाव में लगा रहेगा। आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग भी साथ मधु गुप्ता को विधायक बनाने की मांग कर रही महिला जनाधिकार की महिलाओं ने कहा कि मधु गुप्ता बिना किसी पद पर आसीन हुए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, दहेज प्रथा, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों के लिए हमेशा महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का काम की है और उनका साथ देने के लिए हर संभव तत्पर रहती हैं। मधु गुप्ता हमेशा पीड़ित और शोषित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करती आ रही हैं। इसलिए मधु गुप्ता की जनप्रतिनिधि के रूप में रामगढ़ विधानसभा को जरूरत है। वहीं इस मौके पर मधु गुप्ता ने कहा कि मैं महिलाओं के सम्मान के लिए निरंतर कार्य करती हूं और करती रहूंगी, चाहे मुझे किसी के आगे झुकना पड़े या किसी के खिलाफ आंदोलन करना पड़े, मैं हर स्थिति में महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए आंदोलन करती रहूंगी।